हेलो एवरीवन, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं टेक वर्ल्ड नॉलेज। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज के फैक्ट्स के बारे में। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर के आया हूं मैं आपको। मैं बताऊंगा कि क्या हुआ था, कुछ वियर्ड थिंग्स जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। आशा करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो बिना वेस्ट किए कुछ ज्यादा और टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो पहला जो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है रिलेटेड है इंटरनेट से। आपको शायद पता नहीं होगा कि इंटरनेट कब बनी है, कब खोज हुआ है उसका। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ जी, एक वेबसाइट है howoldisinter.net। अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहां दिखेगा कि इंटरनेट कितना दिन हो चुका है। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहता हूँ कि इंटरनेट अराउंड 10,600 डेज कंप्लीट कर चुका है पूरे वर्ल्ड में आए हुए। आप जाएं हमारे जिस वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया, आप उस वेबसाइट पे जाएं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि जब आपका जन्म हुआ था तो इंटरनेट कितने दिनों का हो चुका था। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है रिलेटेड फेसबुक से। मैं बात करने जा रहा हूँ फेसबुक की। जी बिल्कुल सही सुना आपने, फेसबुक। अभी फेसबुक सभी लोग यूज करते हैं और बस फेसबुक की हर न्यूज हर अपडेट आप लोगों को मिल ही जाती है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो फेसबुक के ओनर को फाउंडर है मार्क जकरबर्ग, मैं उनके बारे में करने जा रहा हूँ। हाँ जी, मार्क जकरबर्ग जो है वो सफर कर रहे हैं रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। जी बिल्कुल सही सुना आपने, मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के को फाउंडर है उन्हें रेड और ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस है, जिसके वजह से उन्होंने फेसबुक का कलर ब्लू डिसाइड किया। हाँ, इसके पीछे रीजन दो रीजन है। फर्स्ट रीजन पहला ये है क्योंकि वो कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है रेड और ग्रीन से, इसलिए उन्होंने ब्लू किया, क्योंकि ब्लू जो है आंखों को हर्ट नहीं करता है। वो इसके इंस्टीट में कोई और फीका कलर या हल्का कलर भी चूज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ब्लू चूज करने का रीजन यही था कि ब्लू एक सिंबल होता है ट्रस्ट का और ऑनेस्टी का। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि फेसबुक से ही रिलेटेड है। जी बिल्कुल सही सुना है, फेसबुक से ही रिलेटेड है। मैं बात करने जा रहा हूँ फेसबुक के लाइक बटन के बारे में। तो लाइक सबको मालूम ही होगा कि फेसबुक 2004 में लॉन्च हुआ था, आया था। तो फेसबुक पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन के लिए, लाइक मैसेजिंग सर्विस के लिए बना था। फिर उसे पोस्टिंग सब के लिए डेवलप किया गया धीरे धीरे। तो फेसबुक में जो लाइक का कॉन्सेप्ट था उसके बारे में, जो उसके पीछे इंजीनियर्स काम कर रहे थे जिन्होंने उस कॉन्सेप्ट को दिया था, उनका प्लान था कि वो लाइक की जगह पे एक ऑप्शन रहे जिसका नाम वो ऑसम। पर उन इंजीनियर्स को फेसबुक के टीम यानी कि गो फाउंडर है उनकी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन मिली 2007 में कि नहीं, ये लाइक जो ऑसम की जगह पे लाइक ही यूज किया जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली फिर हमें लाइक देखने को ही मिलता है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बात करने जा रहा हूँ आपसे चाइना के बारे में। जी बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसी कंट्री जहाँ पे हमारा लाइक एवरीथिंग, लाइक इंटरनेट की जो सर्विस हम यूज करते हैं वो चाइनीज लोगों के पास नहीं है। उनके पास उनका खुद का सर्विस, लाइक उनके पास उनका खुद का सोशल नेटवर्किंग है, उनके पास उनका खुद का सर्वर है फॉर फेसबुक व्हाट्सएप। लाइक हमारा फेसबुक है, उनका कुछ और चलता है। लाइक हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप होता है, उनके यहाँ पे वी चैट चलता है। तो वहां पे कोई भी गैप्स पैकेज रन नहीं करता, लाइक गूगल के कोई पैकेज रन नहीं करते, ना गूगल ना जीमेल ना ट्विटर, नथिंग। लाइक और कुछ भी नहीं, नथिंग, यूट्यूब कुछ भी नहीं, सब उनका खुद का अपना बनाया हुआ अपना है। तो मैं गूगल या इन सब के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उस चाइनीज कंट्री के बारे में जहां पर इंटरनेट अडिक्ट लोगों के लिए एक जगह है, एक कैंप है, जहां पर इंटरनेट से जो अडिक्टेड पर्सन है, चाइनीज पर्सन है, उनका इलाज किया जाता है, जो कि अराउंड अब तक 200 मिलियन यूजर का इलाज वहां पे किया जा चुका है। ये बिल्कुल सही सुना आपने, वहां पे इंटरनेट जो एडिक्ट होते हैं, लाइक हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इंटरनेट के एडिक्ट है, बिना इंटरनेट के हम अभी रह नहीं पाते। लाइक हमें अगर बोल दिया जाए कि आप एक दिन बिना इंटरनेट के रहो, तो ये काफी मुश्किल हो जाता है कि आप एक दिन बिना इंटरनेट के भी सर्वाइव करने नहीं रहा जाता, राइट। सो वहां पे जो इसी तरह की बीमारी से जो ग्रसित है उन लोगों को वहां पे इलाज कर किया जाता था, जो कि 200 मिलियन उनकी काउंटिंग है, जिसमें से अराउंड जो एज ग्रुप था ना वो अराउंड 17 से 35 इयर्स का एज ग्रुप था, मतलब उसे 17 से नीचे के हैं वो इसमें ज्यादा ग्रसित नहीं थे, और जो 35 से ऊपर के हैं वो भी इसमें ज्यादा ग्रसित नहीं थे। तो जितने भी बीच के इस क्राइटेरिया के थे उसमें ही जो पीपल्स थे वो इंटरनेट के एडिक्शन के शिकार हो चुके थे। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप और हम दुनिया में हम सारे लोग गूगल पे कुछ ना कुछ क्वेरीज को सर्च करते हैं, वो भी जब दिल करते हैं, मुझे ये नहीं पता चल गूगल कर लेते हैं।
आपको ये नहीं पता, गूगल कर लो, राइट। तो हमारा सब्जेक्ट का आंसर कौन है? गूगल। तो आपने कभी ये सोचा है कि गूगल हमें इतनी जल्दी आंसर देता कहाँ से, वो कहाँ से ये आंसर लाता है और इतनी जल्दी कैसे लाता है, और क्या उसकी प्रोसेसिंग की टाइम है? नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि गूगल पे अगर आप और हम कुछ भी सर्च करते हैं तो वो 1000 कंप्यूटर से पास होकर के हमारी क्वेरी को सरपास करता है, देन आफ्टर वो हमें उसका रिजल्ट शो करता है। और इस 1000 कंप्यूटर से पास करने का जो प्रोसेस टाइमिंग होता है वो होता है 0.2 seconds। बिल्कुल सही सुना आपने, 1000 कंप्यूटर से हमारे जो सर्च है वो पास करता है और उसका टाइमिंग जो उसको पास करने में लगता होता है 0.2 seconds। उसके बाद हमें जाकर के रिजल्ट देखने को मिलता है, जो कीवर्ड हमने सर्च किया है तो जो मोस्ट मैचेस है वो हमें अल्टीमेटली देखने को मिलता है। तो मैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी फैक्ट के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो है ह्यूमन के ब्रेन से रिलेटेड। जी बिल्कुल सही सुना आपने। तो आप हम कभी ना कभी किसी ना किसी ने सोचा ही होगा कि मेरे लैपटॉप में 1 TB का हार्ड ड्राइव है, 500 GB का, लाइक मुझे 40 GB का मेरे पास हार्ड ड्राइव था मेरे कंप्यूटर पे, पुराने कंप्यूटर पे। तभी मैं सोचा था कि ऐसे ही होता है ना, बात होती है कि लाइक एक ह्यूमन का ब्रेन का स्टोरेज कितना होता है। तो उस समय 500 GB का कॉन्सेप्ट आया था, नया कॉन्सेप्ट आया था कि 500 GB का हार्ड ड्राइव मार्केट में आ चुका है। तो हम मेरे जैसे लोग काफी सारे, मैंने भी बोला है ये बात कि 500 GB तो लाइक हमारी पूरी लाइफ का स्टोरी रिकॉर्ड हो जाएगा, राइट। तो मैं आपको बता देता हूँ एक ह्यूमन का जो ब्रेन होता है उसका स्टोरेज कितना होता है, लाइक हमारे ब्रेन में हम कितना डेटा बचपन से लेकर मरने तक स्टोर कर सकते हैं, वो उसका कैपेसिटी कितना होता है। तो एक ह्यूमन के ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है वो अराउंड 3582 टेराबाइट का स्टोरेज होता है उसमें, जो कि हर सेकंड में अराउंड 38,000 ट्रिलियन का डेटा प्रोसेस करता है और हमेशा करता है। लाइक आप और हम अभी जो भी कॉन्सेप्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो अराउंड 38,000 ट्रिलियन डेटा जो है वो प्रोसेस हमारे ब्रेन में हो रही है, जबकि हमारे ब्रेन का स्टोरेज जो है वो काफी ज्यादा है। अगर ऐसा स्टोरेज किसी कंप्यूटर में यूज किया जाए तो आई थिंक आपका पूरा लाइफ तो उसमें रिकॉर्ड इजिली हो ही सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी फैक्ट के बारे में, जो कि है रिलेटेड इंटरनेट और ईमेल से। तो हाँ जी भाई, बिल्कुल आपने सही सुना, मैं ईमेल की बात कर रहा हूँ। लाइक अभी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मेल्स, लाइक डेली बहुत सारे ईमेल्स की जरूरत पड़ती है, लोग आप भेजते हो, आपके पास आती है, राइट। तो मैं आपको बता दूं, हर दिन अराउंड 204 मिलियन यानी कि 204 मिलियन ईमेल हर मिनट में सेंड होता है, जिसका 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ स्पैम होता है। बिल्कुल सही सुना आपने कि जो 204 मिलियन मेल्स होते हैं वो हर मिनट में सेंड किए जाते हैं, इसमें 70% जो भाग होता है वो होता है स्पैम, बाकी रेस्ट जो 30% होता है वो मेरे और आपके काम का मेल्स होता है, जो आप मुझे या फिर मैं आपको भेज रहा हूँ या भेजता हूँ, राइट। मैं आपको बता दूं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मेल के बारे में कि आप अगर एक मेल किसी को सेंड करते हैं ना, तो उस मेल को सेंड करने में अराउंड 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स की खपत होती है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, एक मेल कहीं भी एक आईडी से दूसरे आईडी में सेंड करने के अराउंड 2 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स की खपत होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या पहले भी आ चुके हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।